तेलंगाना में कांग्रेस की आंधी भी पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता को जीत नहीं दिला पाई है। तेलंगाना की जुबली हिल सीट से कांग्रेस के मोहम्मद अजहरुद्दीन चुनाव हार गए हैं। 26 राउंड की काउंटिंग के बाद अजहरुद्दीन को कुल 62,343 वोट मिले। अजहरुद्दीन को BRS प्रत्याशी मंगाथी गोपीनाथ ने शिकस्त दी है। गोपीनाथ ने अजहरुद्दीन को 15,939 वोटों से हराया है। गोपीनाथ को 26वें राउंड तक 78,282 वोट मिले हैं। बीजेपी के लंकला दीपक रेड्डी 25,083 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। बता दें कि जुबली हिल्स में कुल 26 राउंड की ही गिनती होनी थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। इन्हीं में से एक सीट जुबली हिल्स थी। BRS के मंगाथी गोपीनाथ ने 2018 में भी सीट से जीत हासिल की थी। ये उनकी लगातार दूसरी जीत है। मोहम्मद अजहरुद्दीन के चुनाव लड़ने से जुबली हिल्स एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी। इस सीट पर कड़ी टक्कर की बात कही जा रही थी, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बावजूद जुबली हिल्स सीट से अजहरुद्दीन चुनाव हार गए। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 2009 में कांग्रेस की सीट से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सीट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में अजहरुद्दीन को जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने BJP के कुंवर सर्वेश सिंह को शिकस्त दी थी। इसके बाद 2014 में उन्हें राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अजहरुद्दीन को BJP के सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने हराया था।